नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जो विषय लेने जा रहे हैं, इस विषय का नाम है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, इसको कई बुक्स आपको एक्टिव पैसिव सिर्फ इतना ही लिखा हुआ मिलता है, कई बुक्स में सिर्फ वॉइस लिखा हुआ होता है। तो हम यहाँ से, नाम एक ही है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इस विषय को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने दो वाक्य लिखे हैं, शी एट ऑल द एप्पल्स, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, और दूसरा है ऑल द एप्पल्स वर ईटन बाय हर, पैसिव वॉइस। ठीक है, पहले वाक्य का अर्थ हुआ उसने सारी सेव खा ली, और दूसरे वाक्य का अर्थ हुआ सारी सेव उसके द्वारा खाई गई। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि दो वाक्य है ये। पहले वाक्य में शी सब्जेक्ट था, उसने एक्शन किया वो बताया है, लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसमें ऑल द एप्पल्स जो है, उस ऑल द एप्पल्स एक्शन नहीं कर रहा है, उस पर एक्शन का इफेक्ट है, एक्शन उस पर आ रहा है ना। तो ये जो चीज है ये हम वॉइस में देखते हैं। वॉइस का बेसिकली यूज क्या होता है कि ये हमें सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशन बताता है। अब जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है, शी एट ऑल द एप्पल्स, इसमें शी का वॉइस इस वर्ब से, ईटिंग से एक एक्टिव रिलेशन है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और दूसरा जो है ऑल द एप्पल्स वर रिटर्न, इसमें ऑल द एप्पल्स डूअर नहीं है, इस पर एक्शन का इफेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है इस पर ये एक्शन रिसीव कर रहा है। तो सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशन वॉइस बताता है। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते हैं, आप आगे देखिए कि वॉइस होता क्या है, जो रिलेशनशिप शो करता है वर्ब का सब्जेक्ट से। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, शी एट ऑल द एप्पल्स में शी डूअर है एक्शन का, ईटिंग का, है ना। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है, जो डूअर है वो प्रोमिनेंट है, वो एक्शन कर रहा है। इसको कई बुक्स आपको बताएगी, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, परफॉर्म्स और डज द एक्शन, या सब्जेक्ट एक्ट्स, ये होता है एक्टिव वॉइस में। शी एट ऑल द एप्पल्स में शी इज डूइंग द एक्शन ऑफ ईटिंग द एप्पल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे पैसिव वॉइस के बारे में, व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। जैसे ऑल द एप्पल्स वर इटन, तो ऑल द एप्पल्स, ये एप्पल्स इसमें एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन का इस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हुआ पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। तो when the subject receives the action or subject is acted upon, this is called passive voice. In passive voice, the subject is not the doer of the action. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ये देखा कि वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस यूज क्यों करते हैं। जैसे शी एट ऑल द एप्पल्स हमने पढ़ा अभी वाक्य में, उसका हमने पैसिव बना दिया, ऑल द एप्पल्स वर ईटन बाय हर। तो क्यों यूज किया, इसका पैसिव बना रहे हैं तो ये क्यों बना है विषय, ये भी समझने की जरूरत है ना। तो हम कुछ रीजंस देखते हैं क्यों पैसिव की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, हर कंडीशन में पैसिव यूज नहीं करना चाहिए, एक्टिव यूज करना चाहिए। इन कंडीशंस के अलावा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, तब हमें पैसिव यूज करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट टू बी मेंशन, ऐसी सिचुएशन जब आपको सब्जेक्ट बताना नहीं होता है, आप चाहते हो कि उस सब्जेक्ट को नहीं बताएं आप। अब कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे ये जो वाक्य है, द विंडो पेन वॉज ब्रोकन टूडे, खिड़की का कांच आज टूट गया। अब इसमें सब्जेक्ट पता नहीं है किसने तोड़ा, और हो सकता है वो आप खुद हो, बताना नहीं चाह रहे हो, ये अपने आप नहीं टूटा था। पहली सिचुएशन जब हमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना हो। और स्टूडेंट्स आप गौर करोगे, 4-5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं
वो भी पैसिव यूज करते हैं। कभी आप गौर करो कि अगर किसी छोटे बच्चे से अगर कोई खिलौना टूट गया तो वो ये नहीं कहेगा मैंने खिलौना तोड़ दिया, वो क्या कहेगा मेरे से खिलौना टूट गया, वो कभी नहीं कहेगा मैंने तोड़ दिया। तो वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना है उनको, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट नोन, सब्जेक्ट इज नॉट नोन, हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि माई वॉलेट हैज बिन स्टोलन, अब मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, अब मुझे पता ही नहीं है किसने चुराया है या वो मैंने खुद ने खो दिया है, कुछ पता नहीं है। तो सब्जेक्ट पता ही नहीं हो तो पैसिव यूज करो, माई वॉलेट हैज बिन स्टोलन। थर्ड, व्हेन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, अब कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, पता होता है कि ये सब्जेक्ट यही है। अब जैसे ये आपके सामने जो वाक्य है, राइस इज ईटन मच इन आर स्टेट, हमारे राज्य में चावल बहुत खाया जाता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि पीपल ईट राइस मच इन आर स्टेट। या फिर मैं कहूं द थीव्स वर अरेस्टेड लास्ट नाइट, तो क्या ये बताने की जरूरत है कि पुलिस ने अरेस्ट किया था। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड सिचुएशन जब हम पैसिव यूज करते हैं। इन तीन सिचुएशन के में हम पैसिव यूज करते हैं, अदरवाइज हमें कभी भी पैसिव यूज नहीं करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पैसिव यूज करना है तो कब कब करना है, क्या सिचुएशन होती है, और ऐसी क्या कोई सिचुएशन है जब हमें पैसिव यूज पैसिव बना ही नहीं सकते। तो वो होता है रूल्स ऑफ नो पैसिव। पैसिव के रूल्स पढ़ने से पहले हम रूल्स ऑफ नो पैसिव देखते हैं। जैसे हमने टेंसेस पढ़े, टेंसेस के अंदर 12 में से 4 टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव कभी नहीं बनते हैं, जो आपके सामने ये जो आप स्क्रीन पर आ रहे हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव कभी नहीं बनता, जिसका स्ट्रक्चर होता हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, इसका पैसिव कभी नहीं बनेगा। अगर सेंटेंस है शी हैज बीन डांसिंग फॉर 1 आवर, इसका पैसिव नहीं बन सकता। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव कभी नहीं बनता, हैड बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे दे हैड बीन वेटिंग फॉर द सीएम फॉर 10 आवर्स, इसका पैसिव नहीं बन सकता। थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी पैसिव नहीं बनता, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी, दे विल हैव बीन प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका पैसिव कभी नहीं बनता। और लास्ट होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। जैसे सेंटेंस है शी विल बी वॉचिंग सम मूवी इन हर रूम, इसका पैसिव नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स 12 में से ये तीन तो हुए परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इनके पैसिव नहीं बनते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ जब हम पैसिव का यूज नहीं करते, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है वो पैसिव में कभी कन्वर्ट नहीं होती। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जब हम ये कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता तो इसका मतलब ट्रांजिटिव का पैसिव बनेगा। अब इंट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, शॉर्ट में बता देता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें एक्शन का इफेक्ट किसी और नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है, पास ओवर होता है, ट्रांजिट होता है, तो वो होता है, वो तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। अगर मैं कहता हूं आई प्लेड फुटबॉल, तो प्ले का इफेक्ट फुटबॉल पे पड़ रहा है, तो ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं शी लाफ्ड लाउडली, वह जोर से हंसी, तो इसमें लाफ का इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ रहा, यही इंट्रांजिटिव होती है। इंट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एक वाक्य और है आपके सामने, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई वर्ब हो गई, लेकिन इन द स्काई ये एक एडवर्ब हो गया, तो फ्लाई का इफेक्ट आगे किसी पर नहीं जा रहा है, तो ये क्या हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेगा।
अब ऑब्जेक्ट पता कैसे करें, ये देखने के लिए ये जो रूल है आपके सामने कि आस्क क्वेश्चन विद व्हाट एंड हुम, क्या किसे किसको से प्रश्न पूछो, जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट तो हो गई, कई बार आपको दो ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बन सकता है। जैसे पहला ये वाक्य है आपके सामने, शी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। अब व्हाट डिड शी सिंग, उसने क्या गाया, तो आंसर क्या आया, अ सॉन्ग। तो जब आपने व्हाट से क्वेश्चन किया वर्ब को साथ में लेकर के, तो आंसर आया अ सॉन्ग। जब व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जैसे सेकंड सेंटेंस है, ही गिफ्टेड मी अ बुक, इस वाक्य में आप व्हाट और होम दोनों से प्रश्न कर सकते हैं। अब जैसे होम से प्रश्न किया, होम डिड शी गिफ्ट अ बुक, उसने एक बुक किसे गिफ्ट की, तो आंसर आया मी। तो होम से प्रश्न किया, आंसर आया मी, और ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी वाक्य में मैं व्हाट से भी क्वेश्चन करूं, व्हाट डिड ही गिफ्ट मी, आंसर आएगा अ बुक। तो अ बुक भी ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो गए और दोनों से पैसिव बन सकता है। ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। तो जब हमें पता है कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव भी बन सकता है, तो अब क्या रूल होंगे पैसिव के, यहां से हम शुरू करते हैं रूल्स। तो पहला रूल क्या होता है जो आपके सामने है स्क्रीन पर, पुट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव और कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इन टू सब्जेक्ट एंड राइट इट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसिव। इसका मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव के शुरुआत में लिखना है, या फिर एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर वाक्य के शुरुआत में लिखना। ये बदलना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, ये हम आगे देखेंगे। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया और उसको हम सबसे आगे लिखेंगे। जैसे ये आपके सामने ये जो वाक्य है, ही वॉचेज मूवीज, और सेकेंड है शी रिक्वेस्टेड मी। अब इसमें वॉचेज मूवीज जो है, तो मूवीज हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य में मी हुआ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पैसिव में सबसे पहले लिखे जाएंगे। तो पहला रूल स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन करके आगे आ जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या होगा कि हमें हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हर टेंस की। अब वो टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये हर एक टेंस की अलग अलग होती है। अब जैसे अगर आपके प्रेजेंट टेंस है, इसको मैं पहले शॉर्ट में बता देता हूं कि पूरा जो प्रेजेंट टेंस है, इसमें एक तो सबसे पहले टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस अपनी जगह पे रहता है। अब जैसे फर्स्ट फॉर्म या एस एंड ईएस है, ये इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। अगर इज आर एम प्लस आई एन जी है, तो ये इज आर एम प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। और अगर हैज हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी है, तो स्टूडेंट्स ये क्या वाक्य हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हमने पढ़ा था कि इसका पैसिव नहीं बनता। तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस को पैसिव में बदलते हैं तब क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो हमने नोट की। अब हम आगे देखते हैं पास्ट टेंस से जुड़े हुए रूल। स्टूडेंट्स पास्ट टेंस में सबसे पहले अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज और वर। सेकेंड अगर वॉज वर प्लस आई एन जी है, ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस, तो वॉज वर प्लस बींग प्लस आई एन जी का यूज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। थर्ड हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट अगर है, तो ये किसमें बदलेगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस आई एन जी है, ये कभी भी पैसिव में नहीं बदलता, तो वो हो गया नो पैसिव। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर का रूल है शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये बदलता है शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। फ्यूचर इनडेफिनिट हुआ ये। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल प्लस बी प्लस आई एन जी, ये हमने पहले पढ़ा था कि इसका पैसिव नहीं बनता, तो नो पैसिव हो गया। नेक्स्ट आया फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये बदलेगा शैल विल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। और जो लास्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी, इसका पैसिव नहीं बनता है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स टेंसेज का। मॉडल्स में और देख लेते हैं कि अगर कोई भी मॉडल अगर एक्टिव सेंटेंस में आ रखा है तो वो मॉडल एज इट इज रह जाएगा और उसके साथ में बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ था हमारा रूल हेल्पिंग वर्ब का। और हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने, अगर आपने नोट किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना। तो तीसरा पार्ट होता है पैसिव में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना पैसिव में। ये फिक्स है, हर पैसिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो अभी तक हमने देखा सब्जेक्ट को हमने सबसे आगे रखा, सेकेंड रूल में हमने हेल्पिंग वर्ब्स देख ली, थर्ड रूल में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब क्या होगा, यूज ऑफ बाय प्रेपोजिशन। थर्ड फॉर्म के बाद में बाय प्रेपोजिशन का यूज होता है। स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम यूज होने वाला प्रेपोजिशन है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी है जो हम आगे प्रैक्टिस में देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए बाय प्रेपोजिशन हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हमारा अभी तक का स्ट्रक्चर क्या बन गया कि सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने देखा था बी बीन और बींग का भी यूज। अगर जरूरत होती है तो ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमने बाय भी रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है जो ये है आपके सामने, पुट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एट द एंड ऑफ द पैसिव वॉइस। जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव के एकदम एंड में लिखना है, बाय के बाद में। या फिर कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू ऑब्जेक्ट। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में आप ऑब्जेक्ट में बदल करके वाक्य के अंत में लिखोगे एंड पुट इट एट द एंड ऑफ द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के एंड में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो पांच रूल हमने देखे हैं, पांचों को हम अगर एक स्ट्रक्चर में रखते तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है। वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड रूल जो टेबल बताई थी वो आ गई, उसके बाद में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ बाय प्रेपोजिशन, और लास्ट ऑब्जेक्ट आना। तो ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने पैसिव वॉइस का। अब देखो पहला और पांचवा रूल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, ये सिर्फ प्रोनाउन के केस में होता है। कैसे होता है, जैसे प्रोनाउन में हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ये हुआ सब्जेक्टिव केस। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का होता है मी, वी का होता है अस। तो अगर एक्टिव में सब्जेक्ट आई आ रखा है उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट में बदलना है तो बाय मी हो गया, ठीक है। और अगर एक्टिव में मी आ रखा है और उसको सब्जेक्ट में बदलना है तो वो आई बन करके पैसिव में सबसे पहले आ जाता है। इसी तरह वी अस में बदलता है और अस वी में बदलता है। यू क्योंकि दोनों नाम एक ही है, फॉर्म तो अलग हो जाती है, तो यू का यू रह गया। ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हिम, और हिम को अगर सब्जेक्ट में बदलना है तो वो हुआ ही। ऐसे ही शी हुआ सब्जेक्ट, इसको हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया हर, और हर को बदल देते हैं सब्जेक्ट में शी में। तो स्टूडेंट्स ये रूल्स थे अभी तक के हमारे सामने, हमने सारे रूल्स नोट कर लिए, पांच स्टेप हमें याद रखने हैं। अब हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस का, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में अगर हमारी रूल जो टेबल है, टेबल में अगर बी बीन और बींग अगर जरूरत हो तो उनको लगा दो, वरना डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आपके सामने अब ये जो वाक्य है, हम इन्हीं पांच रूल को हम यूज करके देखते हैं। पहला सेंटेंस, शी हेल्प्स मी, एक्टिव सेंटेंस है, शी डूअर हो गया, हेल्प वह मेरी मदद करती है। अब इसको हमें बदलना है, तो पहला रूल जो हमने लिखा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल करके पैसिव के शुरुआत में लिखो, इसमें मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। हमने अगर इसमें प्रश्न भी कर लो कि वह मेरी मदद करती है, तो वह किसकी मदद करती है, मी, तो मी ऑब्जेक्ट हुआ। मी को सब्जेक्ट में बदलना है, अभी जस्ट हमने देखा था, तो ये मी का बनेगा आई, सबसे पहले लग दिया, स्ट्रक्चर का पहला स्टेप हो गया। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है,
हेल्पिंग वर्ब का यूज टेबल में सबसे पहला पॉइंट था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस एंड एस अगर आती है तो पैसिव में इज आर एम आता है। आई के साथ में क्या आएगा इज आर एम में? एम, तो एम लिख दिया हमने। थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी, थर्ड स्टेप बाय प्रेपोजिशन मैक्सिमम यही यूज होता है, ये लिख दिया। अब उसके बाद में जो लास्ट ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव के सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है, शी को हमें ऑब्जेक्ट में बदलना है। ये हमने जस्ट अभी देखा था, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो इसका पैसिव क्या बन गया? शी हेल्प्स मी का पैसिव आई एम हेल्प्ड बाय हर, ये बन गया इसका पैसिव। एक और वाक्य देख लेते हैं इसमें, जैसे रवि हैज गिवन मी अ गिफ्ट, रवि ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, ये एक्टिव वाक्य हुआ। पहले दो प्रश्न कर लेते हैं ऑब्जेक्ट पता करने का, ये आदत आपको डाल लेनी है, ऑब्जेक्ट पता कर लेना है कि रवि ने एक गिफ्ट किसे दिया? मी, मुझे, तो मी का मी ऑब्जेक्ट हुआ, इससे पैसिव बन सकता है। रवि ने मुझे क्या दिया है? एक गिफ्ट, तो ये भी पैसिव में एक ऑब्जेक्ट काम आएगा। हम दोनों से पैसिव बनाकर देख लेते हैं, जैसे मी का मी से बनाते हैं पैसिव, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्ट बना करके पैसिव के शुरुआत में लिख दो। मी का क्या हुआ? आई, तो इसको सबसे पहले आई। अब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट अगर होता है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो आई के साथ में हैज हैव में से क्या आएगा? हैव, आई हैव बीन, थर्ड फॉर्म गिवन, फिर ऑब्जेक्ट अ गिफ्ट, ये अपनी जगह पे रहेगा, बाय, और नाउन है तो उसको एज इट इज उसको लिख दो, रवि। ये तो हुआ स्टूडेंट्स एक पैसिव। अब हम अ गिफ्ट से बना करके देखते हैं, इसको ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले बना करके लिखते हैं, सब्जेक्ट बना करके अ गिफ्ट। अब हमारा रूल तो वही है कि हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आना है, लेकिन हमारा अब सब्जेक्ट अ गिफ्ट सिंगुलर हो गया, तो हम इसमें हैज का यूज करेंगे, तो अ गिफ्ट हैज बीन गिवन। अब ये जो आपके सामने ही मी बचता है, ये मी हुआ है अपना जो ऑब्जेक्ट, इससे पहले हमें टू यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो टू मी, ये फिक्स रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद में बाय आएगा और बाय रवि हो गया, तो ये बन गया पैसिव। तो स्टूडेंट्स ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये नेगेटिव भी होता तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लग जाता, तो नेगेटिव से कोई वाक्य में ज्यादा अंतर नहीं आना है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है इसको देख लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी बीन और बींग, अगर जरूरत है तो, इफ एनी रिक्वायर्ड हो तो ये यहां पर आएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है डू यू स्पीक इंग्लिश, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका हम पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा। अब जैसे डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको आप समझते हैं, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमें इज आर एम एस से कुछ कोई एक हमें सबसे पहले लिखनी है, ये डिपेंड करता है कि क्या आएगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। डू यू स्पीक इंग्लिश, इस वाक्य में इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, इससे पहले इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो इंग्लिश के लिए इज का यूज करेंगे, इज लिख दिया सबसे पहले, इंग्लिश आ गया सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई स्पोकन, बाय रूल में दिया हुआ है वो आना है, और उसके बाद में यू सब्जेक्टिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो बाय यू कर दिया और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ पहला एक एग्जाम्पल इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का एक्टिव से पैसिव बनाना। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैव यू टेकन मेडिसिन, एक्टिव सेंटेंस है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मेरा प्रश्न इसमें बदलता हैज हैव प्लस बीन में बदलता है, ठीक है? तो हैज और हैव सबसे पहले आना हैज हैव में से क्या आएगा ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। अब हमारे पैसिव का सब्जेक्ट क्या हो गया? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है मेडिसिन, क्या तुमने दवाई ले ली है, तो तुमने
क्या ले ली है, दवाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेडिसिन के हिसाब से हेल्थ सबसे पहले आ गया, मेडिसिन आ गया, हेल्थ है प्लस बीन आता है ना, तो बीन इस जगह पे है, इसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगा। फिर थर्ड फॉर्म आ गई टेकन, बाय रूल के हिसाब से आना है, यू का यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो ये हुआ स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। लेकिन इंटरोगेटिव ये जो हमने देखे ये तो थे हेल्पिंग वर्ब से जो बनने वाले हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से। अब अगर कोई डब्ल्यू एच वर्ड से कोई बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो उनके पैसिव क्या होंगे? ज्यादा देखो डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस बस इतना ही है कि एक्टिव भी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा, पैसिव भी उसी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा, सेम स्ट्रक्चर एज इट इज रहना है। जैसे आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया सबसे पहले, और रिमेनिंग देखो एज इट इज है स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, बी बीन और बींग आ गया अगर जरूरत है तो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो मतलब स्ट्रक्चर सेम है, डब्ल्यू एच वर्ड अपनी जगह पे जहां शुरुआत में एक्टिव में है वैसे ही पैसिव में भी शुरुआत में रहना है। ये जो आपके सामने वाक्य है, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, इसको हम पैसिव में बना करके देखते हैं। हाउ डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इसको एज इट इज इसको लिख दो पैसिव में। अब रिमेनिंग डू यू प्रोनाउंस इट, इसी को हमें कन्वर्ट करना है। तो वही रूल जो हमने पहले देखा था कि डू प्लस फर्स्ट फॉर्म इसमें बदलता है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है इट, ये सब्जेक्ट बनकर के आगे आ रहा है। तो हाउ इज इट प्रनाउंस्ड बाय यू, तो ये बन गया डब्ल्यू एच वर्ड का एक्टिव से पैसिव। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ मेनी पिक्चर्स हैज शी पेंटेड। अब देखो हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, ये चार ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड है जिनमें इन्हीं के जस्ट बाद में आपको ऑब्जेक्ट हमेशा मिलेगा। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, इनके बाद में ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो जैसे ये सेंटेंस है, हाउ मेनी पिक्चर्स हैज शी पेंटेड, तो इसमें पिक्चर्स ऑलरेडी दे रखा है ऑब्जेक्ट, इसको एज इट इज यही लिखना है। तो हाउ मेनी आ गया, पिक्चर्स आ गया, हैज यो प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता हैज यो प्लस बीन में। तो हाउ मेनी पिक्चर्स हैव बीन विद थर्ड फॉर्म पेंटेड, और फिर बाय, और फिर शी बदल जाता है हर में। तो स्टूडेंट्स ये हो गया एक डब्ल्यू एच वर्ड से जो सेंटेंस एक्टिव होता है उसका पैसिव बनाना। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड में दो चीज ऐसे है, दो डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है, वो होता है हु और होम। तो सबसे पहले हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अगर कोई सेंटेंस एक्टिव हु से स्टार्ट होता है, जैसे ये आपके सामने सेंटेंस है, हु इज टीजिंग यू, इस वाक्य को बदलना है। तो इसके लिए अब स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे स्ट्रक्चर ये है, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी बीन बींग अगर जरूरत है तो, इफ एनी, ये हमेशा क्लॉज रहेगा, फिर थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क, हु इज टीजिंग यू। अब हमें इसमें देखो इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ये बाय करके हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, बाय वाक्य में सबसे पहले आ जाएगा, और हु का ऑब्जेक्टिव केस होम आ गया। तो बाय होम, हु से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका जब पैसिव बनाना है तो वो हमेशा बाय होम से बनेगा, ठीक है। अब इज टीजिंग यू, इसको बदलना है, यू ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले ले आओ, लेकर आ गए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, क्योंकि ये इज आर एम प्लस आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये किस में बदलता है, इज आर एम प्लस बींग में। अब यू के साथ में इज आर एम में से क्या यूज होगा, आर, तो बाय होम आर यू। अब बींग हमने लिखा था कि अगर जरूरत है तो लिखना है, इसमें बींग आएगा, और थर्ड फॉर्म बाय होम आर यू बींग टीज्ड। एक और एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, हु कैन हेल्प हिम। अब इस सेंटेंस में हु बाय होम में बदल गया, हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है वो एज इट इज रह जाएगा। मॉडल का क्या रूल है, मॉडल अगर एक्टिव में है तो मॉडल का पैसिव में मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है। तो बाय होम, फिर मॉडल कैन आ गया, हिम जो ये ऑब्जेक्ट है इसको आप ही में बदल दिया,
ये आ गया पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में। बाय होम कैन ही, फिर मॉडल के बाद में बी आना है, वो अपनी जगह पे है। और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय होम कैन ही बी हेल्प्ड। तो स्टूडेंट्स ये हुआ बाय होम हु वाले सेंटेंसेस का पैसिव। अब हम आज की क्लास का एक लास्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, वो है अगर कोई सेंटेंस होम से स्टार्ट होता है। तो जैसे ये अब आपके सामने नेक्स्ट रूल है, अगर कोई सेंटेंस होम से स्टार्ट होता है जैसे होम डू यू लाइक, तो इसका पैसिव बनाना है तो पहला रूल क्या होता है, होम हु में बदल जाता है। होम ओरिजिनली ऑब्जेक्टिव केस होता है तो उसका सब्जेक्टिव केस हु आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हु आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में बी बीन बींग अगर जरूरत है तो, फिर थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। होम डू यू लाइक, इसका पैसिव बनाना है तो होम का हु में बदल दिया। डू प्लस फर्स्ट फॉर्म का रूल क्या है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, तो हु इज आ गया, क्योंकि इसमें बी बीन बींग नहीं आना है तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हु इज लाइक्ड, बाय आ गया। अब ये यू है, ये सब्जेक्ट है, इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो हु इज लाइक्ड बाय यू। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, होम कैन आई सेंड दिस मैसेज, तो होम का हु हो गया, कैन मॉडल एज इट इज रह गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर बी बीन बींग में से कोई आना है तो वो लिख दो, तो मॉडल के साथ में हमेशा बी आता है, हु कैन बी थर्ड फॉर्म सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, हु कैन बी सेंट दिस मैसेज अपनी जगह पे रह जाएगा, बाय और आई को हम बदलेंगे मी में, हु कैन बी सेंड दिस मैसेज बाय मी। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आज अभी जो अभी तक हमने पढ़ा है पैसिव के रूल्स, उसके बाद में अफर्मेटिव को पैसिव में बदलना, और उसके बाद में इंटरोगेटिव के डिफरेंट टाइप्स, एक हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव, WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव का पैसिव में बदलना, यहां तक हमने आज पढ़ा है। इस क्लास को हम आज यहीं रोकते हैं क्योंकि रूल्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, आपको एक रिवीजन की जरूरत है, आपको सारे रूल्स पढ़ने हैं। 5 स्टेप हमने पढ़े हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, ये टेबल आपको यूज याद करनी पड़ेगी, उसके बाद में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये 5 स्टेप की हमने प्रैक्टिस की है अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, बचे हुए जो स्ट्रक्चर्स रूल्स हैं वो हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। थैंक यू।